फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्या है गैंग्लियोनिक सिस्ट और क्या है इसके कॉज और क्या है इसके सिम्टम और होम्योपैथी में क्या है इसके बेस्ट और बेहतर इलाज। तो चलिए जान लेते हैं क्या है एक गैंग्लियोनिक सिस्ट। मित्रों, गैंग्लियोनिक सिस्ट एक नॉन कैंसर, मतलब जिसमें कैंसर होने की कोई संभावना नहीं है। यह एक लंप है जो सामान्यतः हमारे जॉइंट्स के पास और सामान्यतः बोला जाए तो यह रिस्ट जॉइंट मतलब कलाई के पास बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। मित्रों, इसका कॉज, इसका कारण अभी तक पता नहीं है। कुछ कुछ केसेस में बोलते हैं चोट लगने के बाद यह हो जाता है। इसकी वजह से क्या सिम्टम आते हैं? मित्रों, यह सामान्यतः पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जहाँ पर इनमें दर्द हो सकता है, और बहुत ही रेयर कंडीशन है जहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जिस जॉइंट के पास एक गैंग्लियोनिक सिस्ट हुआ है वहाँ पर मूवमेंट जो है वह थोड़ा मुश्किल होगा। सामान्यतः रिस्ट के पास होता है, इसलिए रिस्ट का मोशन जो होता है वह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं होम्योपैथी में क्या है इसके बेस्ट और बेहतर इलाज। मित्रों, सबसे पहली मेडिसिन है रूटा जी, 1 mg पावर में मित्रों लेनी है। इसे हर 15 दिन बाद, लगभग 2 महीने तक लीजिए, आपको बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट मिल जाएंगे। 4 ड्रॉप सीधे जबान पर गिरा लीजिए हर 15 दिन पे, और आप देखेंगे 2 से मैक्स आपको लगेंगे 3 महीने और आपका गैंग्लियोनिक सिस्ट अगर रिस्ट के पास है तो ये मेडिसिन जादू की तरह काम करेगी। अगली मेडिसिन है मित्रों बेंजोइक एसिड, 200 mg पावर में 4 ड्रॉप सीधे जबान पे आपको लेनी है। शरीर में किसी भी जॉइंट के पास अगर आपको गैंग्लियन है, बेंजोइक एसिड 200 mg पावर में लगभग 7 दिन तक लीजिए और दवा को रोक दीजिए। 15 से 20 दिन का इंतज़ार करिए और दवा को फिर से 7 दिन के लिए रिपीट करिए। आप देखेंगे 2 महीने में या 3 महीने में आपका गैंग्लियन एकदम गल जाएगा और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। कभी कभी रूटा खाने के बाद, रूटा 1 mg पावर खाने के बाद अगर कलाई का जो आपका गैंग्लियन है नहीं सही हो रहा है तो आप उसके से बेंजोइक एसिड भी ट्राई करके देख सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।